जैसे कि आपका 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और मैं इसके अंदर आपको ऑल ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला एक ही वीडियो के अंदर बताऊंगा और ये आपके 9 चैप्टर में भी वर्क करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के ऑल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा तो चीज़ों को ध्यान देना है। देखो, पहले जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री, तो आपने पहले फॉर्मूले पढ़े थे ट्राइंगल्स के बारे में। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आपने ट्राइंगल्स के बारे में कंप्लीट किए थे, तो पहले वही देखते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल्स को लेकर आपको यही बात बताई गई थी कि जहाँ से अगर सपोज दैट आपका ए बी सी माना गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी इज़ अ राइट एंगल, सी इज़ अ राइट एंगल, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। और अगर एंगल बी के अकॉर्डिंग, एंगल बी के अकॉर्डिंग ये सामने वाला इसका हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर है और ये इसका नीचे वाला बेस है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो देखो अगर एंगल ए लगाया जाता है, एंगल ए, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब यहीं से आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम में आपने जाना था हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखो आपने ये भी जाना था कि थ्री एंगल और थ्री इसके अंदर साइड होती हैं, जिससे कि उसका नाम दिया गया था साइन ए। ठीक है, एंगल में ए लगा लेते हो या फिर आप थीटा का यूज़ कर लो। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और आपका सॉरी साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस, सेक, कॉट, वो सॉरी टेन कॉट। ठीक है, अब यहाँ से आपने ये पढ़ा था कि ये साइड एक दूसरे के अपोजिट होती है, एंगल ये साइड एक दूसरे के अपोजिट होती है, जैसे कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ा था आपने वन अपॉन में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा था वन अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा था वन अपॉन में सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला वन अपॉन में कॉस थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन में कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन में टेन थीटा। और दो फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट पढ़े थे इसके अंदर कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जाने थे, और इसमें ये भी जाना था आपने पी बी पी अपॉन में एच एच बी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले को हमने साइन का नाम दिया था, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, उल्टा होता था कोसेक, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, पर दूसरा होता था कॉस बी अपॉन में एच, फिर नीचे सेक यानी एच अपॉन में बी, टेन बी अपॉन में पी अपॉन में बी, कॉट बी अपॉन में पी। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या जाने थे, इसके बाद हमने जाने थे कि इसके एंगल्स वगैरह के बारे में, और एंगल में हमने क्या जाना था, जैसे कि थीटा डिग्री, थीटा, फिर हमने जाना था जीरो जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है आपको थीटा, जैसे कि साइन जीरो की वैल्यू पता होना चाहिए आपको। ठीक है, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 यानी कि √3/2 और साइन 90 यानी कि 1। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट हुआ करता था कॉस, कॉस यानी कि 1, फिर इसमें अपोजिट यानी कि √3/2 एंड 1 अपॉन में √2 एंड 1/2 एंड 0। ठीक है, ऐसी फिर हमने पढ़ा था टेन की वैल्यू, यानी कि साइन अपॉन में कॉस तो 0 अपॉन में 1। ठीक है, 0 अपॉन में 1 तो 0। ठीक है, अब इसके अपॉन में इसे करोगे तो 1 अपॉन में √3, अब इससे ये पूरा कट गया तो 1, अब 2 से 2 कट गया तो √3, 1 अपॉन में 0 यानी कि नॉट डिफाइन। इसके अपोजिट पढ़ा था हमने कॉट, कॉट यानी कि नॉट डिफाइन, √3, 1 अपॉन में √3 एंड 0। ठीक है, ऐसे ही हमने पढ़ा था कोसेक, कोसेक बराबर होता था 1 अपॉन में साइन, यानी 1 अपॉन में 0 तो नॉट डिफाइन, 1 अपॉन में 1 अपॉन में 2 तो 1 से 1 कट गया 2, 1 अपॉन में 1 अपॉन में √2 तो 1 से 1 कट गया तो √2, ये अपोजिट हो जाएगा 2 अपॉन में √3 और ये 1 अपॉन में 1 यानी कि 1। ठीक है, इसके अपोजिट होता था सेक, तो सेक में हो जाता है 1 2 अपॉन में √3, तो यहाँ पर √2 एंड 2 एंड नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये सारे हमारे एंगल्स की वैल्यू थी जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें जो फॉर्मूलेस और भी पढ़े, ठीक है, वो फॉर्मूला था जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इक्वल टू होता था कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस
90 माइनस थीटा इक्वल टू होता था साइन थीटा, और हमने पढ़ा था टेन का था टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता था कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता था टेन थीटा, और यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता था कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता था सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूले पढ़े, और भी हमने तीन फॉर्मूले पढ़े जो कि इम्पोर्टेंट थे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और हमने फॉर्मूला पढ़ा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और हमने पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जैसे कि टोटल फॉर्मूले बस यही थे जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। ठीक है, तो एक बार में क्या होता है कि आप एक पेज पर लिख लें, बाकी फॉर्मूले याद कर लें, फॉर्मूले पुटिंग आनी चाहिए। देखो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि चैप्टर पीछे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि लास्ट के जो क्वेश्चन है वो करना बहुत ज़रूरी है, वो करना आना ही चाहिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को शेयर करें, कमेंट करें, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, बाकी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे।